नमस्कार दोस्तों, वैसे 247 के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो राजस्थान के अंदर वर्तमान में आपके जितनी भी यहाँ पे भर्तियां चल रही है, चाहे कोई वैकेंसी आने वाली हो रही, चाहे कोई प्रक्रियाधीन भर्ती हो जिसके कोई एग्जाम डेट आनी हो, जिसका नोटिफिकेशन आ चुका हो, तो सारी डिटेल में बात करेंगे। जो भी एट प्रेजेंट राजस्थान में वैकेंसी चल रही है उनके संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट यहाँ पे निकला है सारा आपके साथ यहाँ पे शेयर कर दूंगा, है ना। बहुत सारी वैकेंसीज की बात करनी है राजस्थान सब इंस्पेक्टर के, और कुछ ऐसी वैकेंसीज है जिनके आपके यहाँ पे डाउट भी निकल गया है प्रीवियस वीडियोस में, है ना। प्रीवियस वीडियो जाके जरूर देखना, उनमें भी इंपॉर्टेंट चीजें मैंने बता रखी हैं, तो उनमें कुछ आपके डाउट भी थे तो वो भी आपके साथ साथ में यहाँ पे क्लियर कर देंगे, है ना। तो स्टार्टिंग करते हैं आपके आरएसएम एसएसबी बोर्ड की। देखिए, दो भर्ती के बारे में थोड़ी अपडेट भी है और थोड़े स्टूडेंट्स के डाउट भी है। एक तो है स्टेनोग्राफर और एक है लैब असिस्टेंट, है ना। तो देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं स्टेनोग्राफर की। तो स्टेनोग्राफर यानी कि जो अब इसका नया नाम है निजी सहायक, ठीक है, निजी सहायक इसे कहा जाएगा। कैबिनेट के अंदर भर्ती संबंधित यहाँ पे जो नियम संशोधन हो, जो इसके नियम है उनमें संशोधन हो चुका है, ठीक है। इसी की वजह से भर्ती इतने दिनों से अटकी हुई थी, अभी कुछ दिन पहले इसके नियम संशोधन हुए हैं। तो ये जो विज्ञप्ति इसकी अगस्त माह में आपकी श्योरिटी से आ जाएगी, ठीक है। श्योरिटी जो आरएसएमएसएसबी बोर्ड की जो स्टेनोग्राफर वैकेंसी है वो आपकी अगस्त माह में आ जाएगी। और पदों की बात करें तो संभावित जो इसमें पद है वो लगभग 500 पदों के आसपास ये वैकेंसी आने वाली है, ठीक है, समझ गए। और एक और स्टेनोग्राफर वैकेंसी आपकी आ रही है हाईकोर्ट के अंदर। हाईकोर्ट के अंदर देखिए, अभी एट प्रेजेंट एक वैकेंसी और आई थी राजस्थान हाईकोर्ट के अंदर, कनिष्ठ निजी सहायक जो अंग्रेजी की है, जिसका मैंने प्रीवियस वीडियो में बता दिया था पूरा, जूनियर पर्सनल असिस्टेंट, जिसके ऑनलाइन आवेदन 14 जुलाई 2023 से 2 अगस्त 2023 तक है, जिसमें 59 यानी कि 59 पोस्ट है। तो ये राजस्थान हाईकोर्ट के अंदर वैकेंसी नहीं आई है, और उसके बाद ये वैकेंसी आने वाली है हाईकोर्ट की स्टेनोग्राफर की, क्योंकि अभी कुछ समय पहले रिक्त पदों की आपने सूचना मांगी थी, ठीक है। राजस्थान हाईकोर्ट ने जितने भी जो छोटे कोर्ट होते हैं, निजी कोर्ट होते हैं, जो डिस्ट्रिक्ट वगैरह में होते हैं, जो आपके स्तर पे छोटे स्तर पे जो भी कोर्ट होते हैं ना, वहां से जो रिक्त पदों की सूचना है वो यहाँ पे मांगी है, ठीक है ना। तो वो जैसे ही उनको मिल जाएगी रिक्त पदों की सूचना, वो जो हाईकोर्ट है वो भर्ती निकाल देगा, और ये भर्ती संभावित आपकी अगस्त और सितंबर माह में आएगी, ठीक है। तो ये चीज हो गई। इसमें अभी पदों की देखिए एक सूचना मांगी है, पदों का अभी यहाँ पे वर्गीकरण हुआ नहीं है। नेक्स्ट भर्ती है लैब असिस्टेंट की। तो लैब असिस्टेंट है, लैब असिस्टेंट बिना सीटी की आएगी, कोई सीटी नहीं चाहिए इसके अंदर। आचार संहिता लगने से पहले पहले वैकेंसी आ जाएगी, अभी थोड़ा सा इसमें डिले होगा। देखिए, आपको पहले ही बता दूं, ऐसा नहीं कि मैं कह दूंगा जुलाई एंड में आएगी, अगस्त स्टार्टिंग में आएगी, थोड़ा डिले होगा। हो सकता है कि अगस्त एंड या सितंबर तक ये वैकेंसी आएगी, ठीक है। अगर संभावित पदों की बात करें तो ठीक ठाक इसमें पद है। पहले 250 पद बताए गए थे, बजट में घोषणा हुई थी 251 पोस्ट की हुई थी, 251 पोस्ट की, फिर बढ़ के लगभग 500 आसपास न्यूज आ रही थी, और अब लगभग बताया जा रहा है कि 800 से ऊपर ही है, 800 से 1000 के बीच में मान लीजिए, तो 800 के लमसम ये पोस्ट आपके यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। आचार संहिता से पहले पहले आ जाएगी, और जो इसका सिलेबस और एग्जाम पैटर्न है वो पहले वाला ही रहने वाला है। जो भी इसकी तैयारी कर रहे हैं वो पहले वाले एग्जाम पैटर्न और सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी शुरू कर दीजिए, वैकेंसी आपकी आ जाएगी। फॉर्म अगर बात करें इसके, तो इसके फॉर्म जो है ना वो आपको थोड़ा सा, मैं कह रहा हूँ ना, थोड़ा सा डिले हो सकता है, अगस्त और सितंबर माह में आपको इसके फॉर्म देखने को मिल सकते हैं। और इसके जो एग्जाम है ना, संभावित अगले साल ही होंगे, इस साल इसके एग्जाम नहीं होने वाले, क्योंकि आरएसएमएसएसबी बोर्ड के पास जुलाई तक का तो क्राइटेरिया पहले से ही फिक्स है, जनवरी फरवरी तक का, जनवरी और फरवरी 2024 तक का तो पहले से एग्जाम के शेड्यूल फिक्स है, उसने अपना पहले से एग्जाम कैलेंडर निकाला हुआ है। तो लगभग आप मान लीजिए फरवरी मार्च तक की इसका एग्जाम होगा। नेक्स्ट बात करते हैं पशुपालन विभाग के अंदर जो 5934 पदों पर पशु परिचर यानी कि जो एनिमल अटेंडेंट की भर्ती है, जो कि की जाएगी आरएसएमएसएसबी बोर्ड के द्वारा, जिसमें योग्यता आपकी 10वीं पास मांगी गई है। इसके संबंधित अगर मैं अपडेट की बात करूं तो मुख्यमंत्री ने इसके संबंधित प्रस्ताव को देखिए मंजूरी तो दे दी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जुलाई और अगस्त में वैकेंसी आ जाएगी, इसमें थोड़ा सा डिले होगा, क्योंकि जस्ट अभी इसमें मंजूरी मिली है, थोड़ा सा इसमें जो वर्क है वो पूरा प्रोसेस बाकी है। तो ये मान सकते हो कि ये वाली जो वैकेंसी है ना, वो कहीं ना कहीं आपको सितंबर तक ही देखने को मिलेगी, ठीक है। आचार संहिता लगने से पहले पहले ये जो वैकेंसी है वो आपको देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट आपकी राजस्थान हाउसिंग बोर्ड, राजस्थान हाउसिंग बोर्ड के बारे में, राजस्थान जो आवासन मंडल है इसकी जो वैकेंसी है ये मैंने बता दी थी डिटेल में, सॉरी पिछले वीडियो में भी डिटेल में बताया था। वहां पे एक स्टूडेंट का डाउट आया था कि सर क्या इसके अंदर, क्या है कि अलग अलग पोस्ट है, जेईन की भी है, एलडीसी की भी है, अलग अलग पोस्ट है। तो एक स्टूडेंट ने डाउट पूछा था कमेंट में कि सर क्या एक से ज्यादा पोस्ट के यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, तो बिल्कुल कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है।
एक से ज्यादा पदों के लिए आप आवेदन कर सकते हैं अलग अलग पदों के लिए। मान लो आप जेएन के लिए करना चाहते हो, साथ में एलडीसी के लिए भी करना चाहते हो, तो दोनों में कर सकते हो, बस आपके पास वो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसके जो आवेदन है 19 जुलाई 2023 से शुरू हो रहे हैं और 18 अगस्त 2023 तक चलने वाले हैं। ठीक है, इसकी डेट वगैरह आ चुकी है फॉर्म की, तो इसके लिए जरूर देख लेना। नेक्स्ट बात करें हैं राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के, जो फोर्थ क्लास एम्प्लॉय है एमटीएस की, लगभग जो 30,000 पदों के आसपास यहाँ पे बताई जा रही थी, उसमें अभी देखिए थोड़ा सा डिले होगा। क्यों होगा, देखिए साफ साफ चीज बताता हूँ आपको, कोई घुमा फिर आगे बात नहीं करेंगे, सीधी सिंपल बात करते हैं। जो इसके नियम संबंधी जो कार्य है, वर्क है, वो अभी यहाँ पे चल रहा है। ठीक है, जैसे ही वो कार्य पूर्ण होगा उसके बाद प्रॉपर पता चलेगा कि कितने पदों पर भर्ती आएगी और कब तक आएगी। तो अभी ये आप मान सकते हो कि जो जुलाई का महीना और अगस्त का महीना है, इन दो महीनों में ये भर्ती थोड़ी मुश्किल है। कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि अगस्त एंड या सितंबर में वैकेंसी आने के चांसेस बनते हैं। तो इसकी जो क्लियरिटी है वो अगस्त के महीने में पूरी स्थिति जो है स्पष्ट हो जाएगी, क्लियर हो जाएगा कि वैकेंसी कब तक आएगी और कितने पदों पर आएगी। अभी संभावित जो पद है 30,000 प्लस पद इसमें बताए जा रहे हैं, तो बहुत बड़ी भर्ती है भी। ये सिंपल आपकी 10वीं पास ही भर्ती आएगी। अच्छा, अगली है आपकी कंप्यूटर टीचर की संस्कृत स्कूल में, ये भी एक स्टूडेंट का डाउट ही था। संस्कृत स्कूल के अंदर बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक और सीनियर कंप्यूटर अनुदेशक, विज्ञप्ति इसकी संभावित है अगस्त माह में। ठीक है, समझ में आ गई। अच्छा, नेक्स्ट बात करते हैं आपके राजस्थान सब इंस्पेक्टर भर्ती, चार पांच भर्ती के साथ में बात कर लेते हैं। राजस्थान सब इंस्पेक्टर भर्ती हो गई, महिला एएसआई भर्ती हो गई, और राजस्थान पुलिस कांस्टेबल हो गई, आरएसी हो गई, आरआईएसएफ हो गई, और जेल प्रहरी हो गई। ये जो इतनी भर्तियां हैं ना, इनमें पहले कौन सी भर्ती आएगी वो बता देता हूँ। पहले इनमें जो भर्तियां हैं वो आपकी आने वाली है राजस्थान पुलिस कांस्टेबल, जो सामान्य पद है, जिसमें 3,578 पद बताए गए, पहले तो वो आएगी। उसी के साथ साथ और उसके आसपास आरएसी और आरआईएसएफ की भर्ती आएगी। आरएसी के लगभग 1,000 पद बताए जा रहे हैं और आरआईएसएफ के 2,000 पद बताए जा रहे हैं। इनमें जो सीटी की भर्ती है वो सिर्फ और सिर्फ राजस्थान पुलिस कांस्टेबल सामान्य वाली है, इसके 3,578 पद है, बाकी कोई भी भर्ती सीटी में नहीं है। ठीक है, इसके अंदर जेल प्रहरी के भी लगभग 1,000 पद बताए जा रहे हैं। तो जेल प्रहरी का भी बहुत ज्यादा श्योरिटी नहीं हुई कि कब तक आएगी, लेकिन आएगी जरूर, थोड़ा सा इसमें डील होगा। अब बात करते हैं आपकी राजस्थान पुलिस की जो सब इंस्पेक्टर भर्ती है और महिला एएसआई की भर्ती है। महिला एएसआई में लगभग 1,000 पद यहाँ पे बताए जा रहे हैं। ये दोनों भर्तियां ना थोड़ा डिले होगा, थोड़ा डिले इसलिए होगा क्योंकि अभी इनमें जो नियम संबंधी कार्य है ना, जो पुलिस मुख्यालय ने अपने जो नियम तय किए हैं, क्योंकि जो महिला एएसआई भर्ती है पहली बार आ रही है, तो इसके जो नियम जो तय किए हैं जो पुलिस मुख्यालय ने, उसकी जो रिपोर्ट है वो सरकार को भेज दी है। अब सरकार उस रिपोर्ट को चेक करेगी और फिर जाके कहीं ना कहीं उस पर स्टैंप लगाएगी, मोहर लगाएगी और कहेगी हाँ ये भर्ती आप करवा सकते हो, या उसमें कोई संशोधन करना हो तो सरकार जो है वो जो नियमों का जो रिपोर्ट है वो वापस पुलिस मुख्यालय भेज देगी, अगर उसमें कोई संशोधन करना होता तो ये जो प्रोसेस है ना, इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। तो ये चीजें आपके साथ यहाँ पे पूरी की पूरी इसीलिए शेयर कर रहा हूँ ताकि आप जिस भी भर्ती की तैयारी कर रहे हो उसमें थोड़ा सोच समझ के करो कि किसमें टाइम लग रहा है और कौन सी जल्दी आ रही है, तो जो जल्दी आ रही है उसकी पहले आप कर सकते हो। तो मैं अगर बात करूं महिला एएसआई की और राजस्थान सब इंस्पेक्टर भर्ती की, तो ये दोनों लगभग साथ में आएगी। पहले चांसेस है राजस्थान सब इंस्पेक्टर भर्ती के, क्योंकि ये दो पुरानी वैकेंसी चलती आ रही है, इसमें कोई नियम संशोधन करने नहीं है, कोई नए नियम बनाने नहीं है, सेम वही वैकेंसी होने वाली है, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। तो महिला ऐसे की थोड़ा सा डिले होगा, हाँ, लेकिन ऐसा है कि आचार संहिता लगने से पहले वाली वैकेंसी आ जाएगी, बस इतना जरूर है। तो तैयारी आपकी जारी रखिए, दोनों वैकेंसी आएगी, लगभग आपको अगस्त और सितंबर माह में दोनों वैकेंसी देखने को मिलेगी। नेक्स्ट बात करें राजस्थान हाईकोर्ट के ग्रुप डी के एग्जाम अभी तक नहीं हुए, बहुत विद्यार्थी वेट कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी एक अपडेट निकल गई है कि इसका जो निर्णय है कि इस भर्ती में क्या होगा। देखिए निर्णय की बात मैं साफ साफ कहता हूँ, इस भर्ती में निर्णय ये लिया जा सकता है कि इस भर्ती को कैसे कराना है, कब कराना है या फिर कैंसिल करना है, दोनों ही चीज हो सकती है इसके अंदर। तो ये निर्णय कब लिया जाएगा, ये अगस्त माह में लिया जाएगा। तो अभी इस पर कोई भी क्लियरिटी नहीं है, अगस्त माह में एकदम क्लियर हो जाएगा कि इस भर्ती में क्या किया जाएगा आगे। ठीक है ना, और 1,00,000 पदों का जो वर्गीकरण है, जो आने वाली जो भर्तियां हैं 1,00,000 पद जो आ रहे हैं, नए जो 1,00,000 पद आ रहे हैं, उनका जो वर्गीकरण है वो कब तक आएगा, तो उसमें भी डिले होगा, जुलाई में नहीं आने वाला है। सिंपल सी बात बता देता हूँ, वर्गीकरण की जो बात है वो आपको कहीं ना कहीं अगस्त और सितंबर माह में ही देखने को मिलेगा। कोशिश पूरी है जल्दी करवाने की, लेकिन थोड़ा डिले होगा इसके अंदर, क्योंकि अभी सभी जो विभाग है उनका पूरा डाटा आया नहीं है, तभी तो जाके 1,00,000 पदों का वर्गीकरण बताया जाएगा। ऐसा तो है नहीं कि आधा बता दे आधा बाद में बता दें, 1,00,000 पद पूरा वर्गीकरण बताना है, तो पूरा डाटा अभी आया नहीं है, सारी भर्तियां अभी आएंगी, तो उसमें डिले होगा।
और सितंबर तक ही चली जाएगी। मेरे को ये लग रहा है कि अगस्त एंड या सितंबर में कहीं ना कहीं ये आपको वर्गीकरण देखने को मिलेगा, ठीक है, अगस्त और सितंबर में। इसमें बहुत सारे विभाग है, अलग अलग शिक्षा विभाग की बात कर लूँ, चतुर्श्रेणी कर्मचारी भी इसी के अंदर है, बहुत सारी भर्तियां हैं इसके अंदर। तो सारी जो नई भर्ती आने वाली है ना, वो इसी के अंदर आ रही है, 1,00,000 जो पद नए आ रहे हैं ना। तो ये सारा था, और कोई आपका डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। अगले वीडियो के अंदर वो कमेंट जो भी आपके डाउट्स हैं वो साथ में लेके नई अपडेट के साथ वो सारे क्लियर कर देंगे, ठीक है। ये वाला वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कमेंट और शेयर जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज आपको डेली मिलते रहे। तो दोस्तों धन्यवाद, मिलते हैं एक वीडियो में।